स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ और एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर जो हम प्रश्न करने वाले वो है हमारा एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में। वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने साबित किया था रूट एक को रूट दो को, रूट एक को तो नहीं, रूट दो को रूट तीन को हमने अपरिमेय साबित किया था। जैसा कि एक्सरसाइज में आए तो दिख क्या रहा है हमारे पास, रूट चार तो परिमेय संख्या है, यहाँ पर दिख रहा है हमको कि सिद्ध करें कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको भी देख लेंगे, इसको भी आरे हाथ ले ही लेते हैं। जब रूट दो को हमने नहीं छोड़ा, रूट तीन को नहीं छोड़ा, तो इसको काहे छोड़े। चलो जी, बिल्कुल सेम तरीका है, किस प्रकार से प्रश्न को करेंगे। तो रूट दो को साबित करने की बात हो, रूट तीन को साबित करने की बात हो, या रूट पाँच को साबित करने की बात हो, हम करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग, यानी कि विरोधाभास विधि का प्रयोग। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमको बोला जा रहा है उसका उल्टा हम मानते हैं, उसके उलट हमने कुछ मान लेते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या, इसके उलट मानेंगे कि रूट पाँच एक परिमेय संख्या है। अब जब रूट पाँच को हम परिमेय संख्या बनाएंगे तो परिमेय संख्या का तो कुछ गुण होता है, परिमेय संख्या का भी कुछ ना कुछ गुण होता है, और वो परिमेय संख्या का भी कुछ ना कुछ गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है। तो उस प्रॉपर्टीज पर आगे चलेंगे, यानी कि हमने रूट पाँच जो कि एक अपरिमेय संख्या, हमने माना परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी के अनुसार हम चलेंगे, कहीं ना कहीं जाकर के हमको एक ऐसा मतलब क्या बोलते कंट्राडिक्ट मिलेगा कि ये हमको जो है ना वहाँ पर गलत साबित कर देगा। मतलब हमने जो माना है रूट पाँच और परिमेय संख्या, वो हमको कहीं ना कहीं जाकर गलत साबित होने लगेगा, वहाँ पर हमारा साबित हो जाता है कैसे। लेकिन ज़्यादा बातें करने से नष्ट नहीं साबित होगा ना, करते हैं फिर देखते हैं। आ जाओ जी, क्या करते थे हम, सबसे पहला काम जो करना है तुमको, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि रूट पाँच एक परिमेय संख्या है। क्या ये एक परिमेय संख्या है? अब रूट पाँच एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी परिमेय संख्या होता है उसको हम लिख सकते हैं पी बट्टे क्यू के फॉर्म में। यानी कि पाँच है तो पाँच को लिख सकते हैं पी बट्टे क्यू, यानी कि पी की जगह पर पाँच और क्यू की जगह पर एक। अगर मान लो तीन बट्टा पाँच है तो ये भी पी बट्टे क्यू के फॉर्म में, पी बराबर तीन क्यू बराबर दो, तो इसको भी लिख सकते हैं पाँच को भी हम पी बट्टे क्यू के फॉर्म में। तो रूट फाइव बराबर हो जाएगा पी बट्टे क्यू। अच्छा, परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो पी बट्टा क्यू का फॉर्म होता है, जो अंश और हर होता है, वो हमेशा पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब एक दो तीन चार पाँच, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, जहाँ तक चले जाओ उसमें से कुछ ही कुछ होगा। अब Q बराबर जीरो नहीं होगा, और साथ ही साथ पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, गुणनखंड नहीं। अब देखो, ये सबसे सबसे जरूरी प्रॉपर्टी है, गुण है कि पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब यही बाद में जाके हमको गलत साबित करेगा, इस पर इस बात पर ध्यान दो। पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने का क्या मतलब है कि पी क्यू कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो पी और क्यू दोनों को विभाज्य कर सके। जैसे मान लो हम लेते हैं कि 15 और 18, इसमें तीन एक ऐसी संख्या जो 15 को भी विभाज्य कर रहा है, 18 को भी विभाज्य कर रहा है, लेकिन पी क्यू में उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब इसको अगर मान लो 15 बट्टे 18 लिखते हैं, पी इसको पी बना दे, इसको क्यू बना दे, 15 बट्टे 18 लिखेंगे तो ये कटेगा, 5 तिया 15 और 6 त्रिका 18, ये तो कहीं ना कहीं आकर क्या होगा कि वहाँ डिवाइड हो जा रहा है। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म 5 बट्टे 6 के रूप में आएगा, लेकिन यहाँ पर पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ना तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर सके, ये हमने माना। देन अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। नीचे में एक है, रूट क्यू रूट पाँच को क्यू से गुना करेंगे, रूट पाँच क्यू हो जाएगा, देन हो जाएगा ये हमारा पी। दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने वाला। अब जैसे ही दोनों ओर वर्ग करते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा रूट पाँच क्यू और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी का स्क्वायर। इट मीन्स कि ये हमारा हो जाएगा, जैसे कि अगर मान लो कि रूट पाँच का अगर वर्ग करते हैं, रूट पाँच क्यू का, पाँच क्यू का यदि वर्ग करते हैं तो ये होगा रूट पाँच क्यू गुने रूट पाँच क्यू। अब रूट पाँच को गुना करेंगे तो पाँच होगा, क्यू को गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पाँच क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर।
आप देखो गौर से, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं क्यू स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे पाँच। अब ध्यान से देना, इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन मानते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर निकल के आ रहा है पी स्क्वायर बट्टे पाँच। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पी स्क्वायर पाँच से विभाज्य है। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पी स्क्वायर पाँच से विभाज्य है। अतः अच्छा ये भी देखो ना, यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि पी स्क्वायर पाँच से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अगर हम मानो लिख रहे हैं पाँच गुने दो और बराबर में बीस, अब या ऐसा लिखो ना पाँच क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, पाँच क्यू बराबर यदि हम दस लिखते हैं तो पाँच दूनी दस, तो क्या है यहाँ पर मान लो ये क्यू है पी है, तो पी यहाँ पर मान लो दस है और क्यू हमारा ये क्यू तो क्यू ही है, और ये पाँच यहाँ पर क्या है जो हमको पाँच दिख रहा है, तो पाँच क्या हमारा फैक्टर है। इसका मतलब क्या है? ये दस जो है यानी कि पी जो है वो पाँच से क्या है? विभाज्य है। सिंपल सी बात है। अतः क्या बोल सकते हैं? पी स्क्वायर पाँच से विभाज्य है, मतलब पी भी पाँच से विभाज्य है। मतलब क्या बोल सकते हैं जी? पी में पाँच का गुणनखंड है। यहाँ पर हमको स्पष्ट दिख रहा है कि पी में क्या है? पाँच का गुणनखंड। आगे देखते हैं। तो एक तो पता चल गया कि भैया पी में जो है ना पाँच का गुणनखंड है। अगर पी में पाँच का गुणनखंड है और क्यू में भी पाँच का गुणनखंड हम निकाल पाए तो हमारा काम जो यहाँ पर ये जो बता रहा है ना कि पी क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये गलत साबित हो जाएगा। तो आओ देखो करते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको लेना है पी बराबर फाइव एम समीकरण एक में रखने पर। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया, अगर तुमने पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, अगर नहीं देखा है तो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई ये पी बराबर फाइव एम क्यों लिखा हुआ है, ये जो पी बराबर है फाइव एम हमने क्यों लिखा। देखो यहाँ से पी से विभाज्य जितनी भी संख्याएँ होगी उसको हम फाइव एम के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण देखो, पाँच से विभाज्य दस हो गया, पंद्रह हो गया, बीस हो गया, पच्चीस हो गया, ये सारे के सारे नंबर पाँच से विभाज्य है। इसका फॉर्म देखो, दो गुने पाँच, तीन गुने पाँच, या ऐसे लिखो ना पाँच गुने दो, पाँच गुने तीन, पाँच गुने चार, और पाँच गुने पंद्रह, दो बार आ गया पच्चीस कर दो, पाँच गुने पाँच। देखो अगर इसको हम एम मान लें ना दो तीन चार पाँच को, तो ये किस फॉर्म में है? ये फाइव एम के फॉर्म में है। मतलब पाँच से विभाज्य संख्याओं को हम पाँच फाइव एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए पी पाँच से विभाज्य है, इसलिए पी बराबर हमने फाइव एम माना है। और समीकरण एक में रख देंगे इसको। समीकरण एक क्या हमारा? रूट ये है फाइव क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये है हमारे पास फाइव क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अच्छा ये है ना जी, गलत समीकरण उतार लिए, ये है हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ गौर से, क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर बट्टे फाइव। क्या है? पी स्क्वायर बट्टे में फाइव। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर की जगह पर रख देंगे हम फाइव एम का स्क्वायर बट्टे में पाँच। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पच्चीस एम स्क्वायर बट्टे में फाइव, पच्चे पच्चीस, या क्यू स्क्वायर बराबर फाइव एम स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बट्टे पाँच। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर पाँच से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। यहाँ क्यू स्क्वायर पाँच से विभाज्य है, और जब क्यू स्क्वायर पाँच से विभाज्य होगा तो क्यू भी पाँच से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, यहाँ से देखो अगर मान लो कि पाँच, या लो सौ का स्क्वायर पाँच से विभाज्य है, दस का स्क्वायर पाँच से दस का स्क्वायर विभाज्य है, तो पाँच से दस भी तो विभाज्य होगा। यही तो बोल रहा है कि क्यू स्क्वायर पाँच से विभाज्य है, इसका मतलब क्यू भी पाँच से विभाज्य होगा। अतः क्यू में पाँच का गुणनखंड है, गुणनखंड
अच्छा देखो हमने माना क्या था, हमने माना था कि भैया यहाँ पर पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन निकला क्या कि पी और क्यू दोनों में पांच का गुणनखंड उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हम जो माने थे वो गलत हो गया बाबू। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है, जो हमारे मान्यता के विरुद्ध है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। मान्यता का विरुद्ध कहने का मतलब हमने तो माना था पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, लेकिन निकल रहा है कि पी में भी पांच उभयनिष्ठ गुणनखंड है और क्यू में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है। तो इसलिए जो माने थे वो गलत हो गया, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः रूट पांच एक अपरिमेय संख्या, ये हो गया तुम्हारा यहां से प्रूफ। ठीक है, नोट कर लो। तो यहां पर हमको देखना है क्वेश्चन नंबर दो, क्लास टेंथ एनसीईआरटी का मैथ का एक्सरसाइज 1.2 है और प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 3+2 रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। फिर से कैसे करेंगे, फिर से एक बार कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। और अगर तुमने देखो क्या क्या साबित किया है हमने अभी, उदाहरण से लेकर के एनसीईआरटी 1.2 के उदाहरण से लेकर के एक्सरसाइज तक आओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच, दो रूट पता नहीं क्या था हमारा, 2√3 या 2√7 ऐसे कुछ प्रश्न था, वो हमने साबित किया है। अगर उस तीनों क्वेश्चन को तुम देख जाओ तो ये चौथा क्वेश्चन तुमको बताने की नौबत ही, देखने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने नहीं देखा है तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं प्रश्न को। तो देखो बहुत आसान है, यहाँ पर इसको करते कैसे हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से, यानी विरोधाभास विधि से। और उसमें क्या करेंगे, देखो दिया है कि साबित करना है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके उलट अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर हल देखो, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही कोई परिमेय संख्या होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी बट क्यू के फॉर्म में, यानी कि पी बट्टे क्यू के रूप में। जैसे अगर दो लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे 2/1, पी का मान कितना हो गया 2, क्यू का मान 1 हो गया। तो इसका मतलब इसको भी लिख सकते हैं पी बट्टे क्यू के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं 3+2√5 बराबर लिख सकते हैं पी बट्टे क्यू। जहाँ पर बात करेंगे पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर 0 नहीं है, ठीक है, बस इतना तुम समझो, पी क्यू पूर्णांक है और पी बराबर 0 नहीं है। पी क्यू पूर्णांक कहने का मतलब पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पूर्णांक है, और माइनस में जितने भी नंबर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, -5 ये सारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ये वाले नंबर हो जाएंगे। चलो जी बहुत बढ़िया, करना क्या है सिंपली, देखो यहाँ से इसको उठा के इधर ले जाओ, 3 को, ये होगा 2√5, इधर 3 प्लस में उस तरफ जाके हो जाएगा पी बट्टे क्यू और माइनस का, देन ये हो जाएगा हमारे पास 2√5 बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, 3 × 1 का Q और 1 का LCM Q हो जाएगा, Q से Q में भाग देंगे 1 होगा, 1 को P से गुना करेंगे P हो जाएगा, 1 में 1 से भाग देंगे Q में Q होगा, Q को 3 से गुना करेंगे ये 3Q हो जाएगा। ठीक है, देन अगर हम मान लो 2 और गुने √5 है, तो 2 को अगर इस तरफ लेकर इधर गुना में, इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर लिख सकते हैं पी माइनस 3Q/2, ये नीचे चलाएगा 2Q हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी कि समीकरण नंबर 1। आ जाओ जी, समीकरण 1 में क्या देखने को मिल रहा है, समीकरण 1 में 1 के LHS में √5 है, जिसको हमने अभी अभी तुरंत साबित किया है कि यह क्या है, अपरिमेय, लिखेंगे जो अपरिमेय। ठीक है जी, जबकि while p-3q/2, जबकि RHS में क्या है हमारा, p-3q/q, q अच्छे से लिख लो,
पी माइनस थ्री क्यू बट्टे क्यू, जहां पर बात करेंगे पी क्यू और तीन क्या है पूर्णांक है, और जितने भी पूर्णांक होता है ना वो सबका सब परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे परिमेय संख्या मिलेगा, पूर्णांक को जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है, इतनी बात हमेशा याद रखो। तो ये हो जाएगा हमारा p माइनस थ्री क्यू बट्टी क्यू, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा परिमेय, ठीक है। देन हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण एक से क्या मिल रहा है हमको, अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय मिल रहा है। देखो यहाँ गौर से, रूट पाँच अपरिमेय है, ये परिमेय है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि अगर हम परिमेय बराबर परिमेय कर देते तो बहुत बढ़िया है, तो साबित हो जाता भाई रूट तीन प्लस दो रूट पाँच परिमेय है, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने लोचा किया, क्या लोचा किया, इसको तीन प्लस दो रूट पाँच को परिमेय बना के पी बट्टे क्यू ले लिया, और परिमेय संख्या के प्रॉपर्टी को हम लगा रहे, और परिमेय संख्या पर नहीं चल रहे, जब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को लेकर परिमेय संख्या प्रॉपर्टी पर चल रहे हैं तो वहाँ पर हमको कंट्राडिक्शन मिल रहा है, मतलब हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो मान्य वाला बात नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या है हमारा प्रश्न, तीन प्लस दो रूट पांच अपरिमेय संख्या है, ये लो जी तुम्हारा हो गया साबित, नोट करो। तो एक्सरसाइज 1.2 क्लास दसवीं के मैथ का हमारे पास प्रश्न संख्या है तीन, और प्रश्न संख्या तीन में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है और परिमेय संख्या है, पहला प्रश्न है 1/√2, दूसरा प्रश्न है 7/√5, और तीसरा प्रश्न है 6+√2। एक एक करके प्रश्न को देखते हैं, जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, देखना यहाँ से पहला प्रश्न है कि हमको साबित करना है 1/√2 अपरिमेय संख्या, ये साबित करना, जैसा कि हमको पता है जब भी अपरिमेयता हम साबित करते हैं तो इसका विपरीत मानते हैं, जो भी नंबर्स हमारे पास दिए हुए उसको मान लेते हैं हम परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे इसको मान लेंगे, माना कि 1/√2 बराबर 1/√2 कौन सी संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है ये परिमेय संख्या है, क्यों माना हमने, क्योंकि ये साबित करना है कि 1/√2 जो है वो अपरिमेय है, इसलिए हमने माना कि 1/√2 परिमेय संख्या, कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करके हम करने वाले। तो अगर ये 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर क्या पी बट्टे क्यू, क्यों, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्या होते हैं उसको अंश और हर के रूप में लिखते हैं, तो सिंपली हमने मान लिया कि भाई पी और क्यू कुछ भी कोई ना कोई तो नंबर होगा ना, तो अब यहाँ पर तो ये पता नहीं है पी क्यू है क्या, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पर मान लिया पी बट्टे क्यू, जहाँ पी क्यू क्या है पूर्णांक है और क्यू बराबर जीरो नहीं है, ये दो बात तुमको यहाँ से देखना है। देन अगर देखो इसको क्या करें, व्यतक्रम ले लें, लिखेंगे व्यतक्रम लेने पर, व्यतक्रम लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा रूट दो बट्टे में एक, इसको व्यतक्रम लेने का मतलब क्या है कि इसको हम उलट दे रहे हैं, ये रूट दो ऊपर एक नीचे, क्यू ऊपर पी नीचे, तो ये हो जाएगा क्यू बट्टे में पी। अब देखो मान लो हम अगर 3/4 एक परिमेय संख्या, तो ऐसा थोड़ी है कि 4/3 अपरिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय होगा, तो अगर पी बट्टे क्यू परिमेय है तो क्यू बट्टे पी भी तो क्या होगा परिमेय ही होगा, तो यहां पर ये हो गया हमारा क्यू बट्टे पी, तो यहां पर फाइनली निकला क्या, यहां निकला रूट दो बराबर क्यू बट्टे पी, इक्वेशन फर्स्ट मानो, तो यहां पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, समीकरण एक के LHS में रूट दो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देन RHS की बात करेंगे, RHS में क्यू बट्टे पी परिमेय है, क्यों परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर रीजन दिया हुआ है पी क्यू पूर्णांक है, तो पूर्णांक बट्टे पूर्णांक परिमेय संख्या ही होता है, तो क्यू पी क्या है परिमेय संख्या है। तो समीकरण एक से जो बातें निकल के आ रही है कि ये आ रही है हमारा अपरिमेय बराबर परिमेय,
अपरिमेय बराबर परिमेय निकल के आ रहा है। देखो रूट दो अपरिमेय है, क्यू बट्टे क्यू क्या है, परिमेय है, मतलब परिमेय बराबर अपरिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय हमारा निकल के आ रहा है। अब ये इसलिए लोचा हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने एक बट्टा रूट दो जो कि अपरिमेय संख्या था इसको परिमेय माना और परिमेय मान के उसमें परिमेय संख्या का रूल थोप दिया, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होना था, इसलिए यहाँ पर ये गड़बड़ पकड़ा गया। अतः क्या लिखेंगे, अतः यह लिखेंगे ना एक सौ परिमेय, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, मतलब जो हमने माना था ना वो गलत है। तो अंत में लिखेंगे इसलिए एक बट्टे रूट दो अपरिमेय संख्या, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या दो, और प्रश्न संख्या दो क्या है, सात रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर फिर से हम जो मेथड का प्रयोग करने वाले हैं वो कंट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास विधि का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। विरोधाभास विधि के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। इस विधि में करते क्या है, अगर साबित करना है सात रूट पाँच एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमको मानना पड़ेगा यहाँ पर कि सात रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। तो आ जाओ कर लेते हैं, माना कि सात रूट पाँच एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, और जब भी कोई परिमेय संख्या होता है उसको p अपन q के रूप में लिखते हैं। मान लो दो एक परिमेय संख्या है तो उसको दो बट्टे एक के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, p और q का मान मिल जाएगा तुमको, p बराबर दो, दो बराबर q बराबर एक। अगर तीन बट्टा पाँच परिमेय संख्या तो p बट्टे q, p अपन q के रूप में लिखेंगे तो p का मान तीन और q का मान पाँच। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कि सात रूट पाँच बराबर p बट्टे q लिख सकते हैं, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर जीरो नहीं। ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन बताता है कि अगर कोई अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है और दो पी और क्यू यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक है और हर जीरो नहीं है तो वो परिमेय संख्या, वही हमने यहाँ पर परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा काम करना है, इस सात को उठा के इधर ले जाएंगे, सात गुना में पाँच किधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये होगा रूट पाँच बराबर पी बट्टे सात क्यू, इक्वेशन फर्स्ट मान। यहाँ से स्पष्ट देखो समीकरण एक से, ये समीकरण एक के एल एच एस में यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रूट पाँच है, जो हमने साबित किया है क्या, अपरिमेय है, ठीक है जी। तथा आर एच एस में पी बट्टे सात क्यू है, देखो यहाँ से पी बट्टे सात क्यू है, जहाँ p q सात पूर्णांक है। और देखो कोई पूर्णांक है और पूर्णांक का जोड़ घटा गुना भाग करो तो वो पूर्णांक ही मिलेगा, तो इसका मतलब p बट्टे सात क्यू, अगर ये p सात क्यू पूर्णांक है तो p बट्टे सात क्यू क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती वो परिमेय संख्या होती है, और जितने भी पूर्णांक को तुम जोड़ घटा गुना भाग करोगे पूर्णांक को तो वो तुमको परिमेय संख्या दे करके जाएगा। सपोज अगर हम बोले तीन बट्टा दो ये दोनों पूर्णांक है छः, तो ये परिमेय संख्या है छः बट्टे एक। हम बोल रहे हैं बुआ तुम सात एक पूर्णांक है दो पूर्णांक भाग दे दो, सात बट्टा दो मिल रहा है तो ये तुम्हारा परिमेय संख्या है, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि समीकरण एक के, समीकरण एक से ये आ रहा है हमारा अपरिमेय बराबर परिमेय, गौर से देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रूट पाँच अपरिमेय है, पी बट्टे सात क्यू ये क्या है, परिमेय है। अतः अच्छा जो संभव नहीं है, मतलब ये जो रिजल्ट आया है ना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अपरिमेय बराबर परिमेय अगर आता है तो वो तो असत्य हो गया, ये संभव कैसे हो सकता है, जो संभव नहीं है। अतः अब ये लोचा क्यों हुआ, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, मतलब जो हमने माना है यहाँ पर सात रूट पाँच बट्टे पी बट्टे क्यू परिमेय संख्या, यहीं पर हमने लोचा किया है, यहीं पर हमने गलती किया है, क्योंकि यहाँ परिमेय बराबर परिमेय आ रहा है,
और हमने जो प्रॉपर्टीज लगाए वो परिमेय संख्या है ये, और परिमेय संख्या लोचा तो होना था। द हमारी मान्यता गलत है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन, नोट कर लो। चल फाइनली हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है थर्ड, तीसरे नंबर का प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। फिर से वही काम करना है हमको, कौन सा अपरिमेय साबित करना है। प्रश्न है हमारे पास 6√2, इसको साबित करना है कि 6√2 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। तो फिर से कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या बताया, अगर 6+√2 परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसको P/Q ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं ना 3/1, समझो तो बात को। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 6+√2 बराबर P/Q, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं। ये हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब 6 को क्या करेंगे, अपन उठा के इधर ले जाएंगे। ये होगा √2 बराबर P/Q माइनस 6। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यहीं पर रोक देना है समीकरण एक मान लो, ठीक है। तो समीकरण एक से क्या देखने के लिए मिल रहा है हमको, समीकरण एक से LHS में जो है ना √2 है जो अपरिमेय है, ठीक है। RHS में P/Q माइनस 6 है, जहां PQ 6 पूर्णांक है। ये सारा का सारा पी भी क्यू भी छः भी, छः तो है ही है, पी क्यू को हमने पूर्णांक यहाँ पर माना है, पूर्णांक है। अतः P/Q माइनस 6 ये क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। देन हमने क्या कहा कि √2 परिमेय है, ये परिमेय है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ समीकरण एक से अपरिमेय बराबर परिमेय, ये हमारा निकल के आया समीकरण एक से। स्पष्ट दिख रहा है ना, √2 अपरिमेय है और P/Q माइनस 6 को हमने परिमेय यहाँ पर लिख करके साबित किया है। तो क्या बोल, अच्छा ऐसा परिणाम क्यों आ रहा है, ऐसा परिणाम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमने घपला किया है, कहाँ पर, यहाँ पर। सबसे पहले तो अपरिमेय है, इसको हमने परिमेय माना और प्रॉपर्टी यानी कि गुण लगा दिया परिमेय संख्या वाला, जिसके कारण ये गड़बड़ हो रहा है, घोटाला, अपरिमेय बराबर परिमेय आ रहा है, ठीक है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया हमने घपला किया था, अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है। यहाँ लिख दो जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं, क्योंकि ये संभव हो ही होगा ही नहीं ना, अपरिमेय बराबर परिमेय कभी भी संभव नहीं होगा। तो हमारी मान्यता गलत है, इसलिए क्या है हमारा पास, 6+√2 एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। देखो